हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लासेस विद पूनम टुडे विल डू सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास नाइन सप्लीमेंट्री इंग्लिश बुक मोमेंट्स द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ द एडवेंचरस ऑफ टोटो इस चैप्टर में हम एक मंकी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है टोटो जनरली -तो. हमने देखा है कि जो मंकीज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिस्चीवियस होते हैं इधर उधर उछल कूद करते रहते हैं चीज़ों को तोड़ते फेंकते और फाड़ते रहते हैं तो क्या टोटो -तो भी ऐसा ही मंकी था या वो थोड़ा बहुत पीसफुल था विल डिस्कस इन द चैप्टर सो लेट स्टार्ट हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पैट क्या आपने कभी जो है किसी बेगी मंकी को एज अ पैट रखा है टोटो इज अ बेगबी मंकी टोटो एक बेबी मंकी है लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिसचिवियस और डोसाइल तो चलिए पता लगाते हैं कि टोटो एक मिसचिवियस मंकी है या फिर डोसाइल है डोसाइल मीन्स ईजी टू कंट्रोल मीन्स टोटो को क्या ईजिली कंट्रोल किया जा सकता है मीन्स वो पीसफुल है या फिर मिसचिवियस है ग्रैंड फादर बोट टोटो फ्रॉ माई टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ फाइव रुपीज़ ग्रैंड फादर ने टोटो को जो है एक टोंगा ड्राइवर से फाइव रुपीज़ में परचेज किया था द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रॉफ एंड द मंकी लुड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंड फादर डिसाइडेड ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू जो टोंगा ड्राइवर था वो लिटल रेड मंकी को एक फीडिंग ट्रॉफ फीडिंग ट्रॉफ मीन्स एक ऐसा कंटेनर जो कि एनिमल्स को फीड करने के लिए यूज़ किया जाता है तो टोंगा ड्राइवर लिटिल रेड मंकी को एक फीडिंग ट्रॉफ के साथ टाई करके रखता था और ये छोटा सा मंकी वहाँ पर इतना ज़्यादा अजीब लगता था कि ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो इस लिटिल फैलो को अपने प्राइवेट जू में ऐड करने वाले हैं ग्रैंडफादर का एक प्राइवेट जू था जो उन्होंने घर पे ही बनाया हुआ था उसमें उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को रखा हुआ था तो ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं कि इस छोटे बंदर को भी वो अपने प्राइवेट जू में रखेंगे टोटो वो जो प्रीति मंकी टोटो बहुत ही प्यारा मंकी था हिज ब्राइट आईज़ स्पार्कल्ड विद द मिस्चीव बिनिथ डीप सेट आईब्राउज़ और उसकी जो चमकती हुई आँखें थी वो उसकी डीप सेट आईब्राउज़ के नीचे मिशीव से भरी हुई थी मीन्स उसकी आंखों में हमेशा जो है शरारत दिखाई देती रहती थी एंड हिस्टिथ विच वर्स विच वर अ पर्ली वाइट और उसके जो दांत थे वो मोतियों के जैसे सफ़ेद थे वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ अ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़ वो जो है उसके दांत बहुत ही ऑफनली डिस्प्ले होते थे मीन्स कभी कभार है उसके दांत जो है स्माइल के रूप में डिस्प्ले होते थे और उसकी जो स्माइल है वो किसी एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़ को डराने के लिए काफ़ी होती थी बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिक्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स लेकिन उसके हाथ जो है इतने सूखे हुए दिखाई देते थे कि जैसे जो है वो कई सालों से धूप में सूख गए हैं ओके लाइक हम धूप में अगर कोई भी चीज़ रख देते हैं तो वो सूख जाती है तो ऐसे ही टोटो के हाथ दिखाई देते थे कि जैसे जो है उनको धूप में रखा हुआ है कई सालों से और वो सूख गए हैं येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट लेकिन उसकी जो फिंगर्स थी वो बहुत ही तेज चलती थी और विकेट यानी कि दुष्ट थी मीन्स वो मिस्चीवियस करने के लिए ही उनको इधर उधर मूव करता था एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स और उसकी जो टेल थी उसकी जो पूछ थी वो उसके लुक में गुड एड करती थी मीन्स उसके लुक को और ज़्यादा सुंदर बना देती थी ग्रैंड फादर बिलीव द टेल वुड एड टू एनी वन गुड लुक ग्रैंड फादर का मानना था कि जो पूछ होती है वो किसी के भी लुक को गुड बना सकती है तो ऐसा ही टोटो के साथ भी था उसकी जो पूंछ थी वो उसको और ज़्यादा सुंदर बना देती थी एंड ऑल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड और उसको जो है एक तीसरे हाथ की तरह सर्व करती थी मीन्स वो अपनी पूंछ को एक तीसरे हाथ की तरह यूज़ करता था ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच वो उसका यूज़ जो है किसी ब्रांच से हैंग करने लटकने के लिए करता कर सकता था एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलीकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ इस हैंड्स और वो जो है उन चीज़ों को जो डेलीशियस चीज़ें होती थी जिन तक वो उसके हाथ नहीं पहुँच पाते थे उन तक पहुंचने के लिए अपनी पूंछ का यूज करता था ओके ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट वेन ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल्स जब भी ग्रैंड फादर घर में कोई नया बर्ड या एनिमल लेकर आते थे तो ग्रैंड मदर हमेशा जो है फर्स्ट फर्स्ट मीन्स डिस्टर्ब हो जाती थी सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोस प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड सो इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि टोटो की प्रेजेंस को सीक्रेट रखा जाएगा जब तक कि वो किसी अच्छे मूड में नहीं होती है Means जिस दिन वो अच्छे मूड में होंगे तो उनको बता दिया जाएगा कि भाई हाँ वो लोग जो है टोटो को घर लेकर आए हैं लेकिन जब तक उनका मूड अच्छा नहीं होता तब तक टोटो की प्रेजेंस को सीक्रेट ही रखा जाएगा ग्रैंड फादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इन टू माई बेडरूम वॉल वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली और सो वी थॉट टू अ पेग पर्सन इन टू द वॉल इसीलिए ग्रैंडफादर और मैंने यानी कि ग्रैंडफादर और राइटर ने डिसाइड किया कि वो जो है टोटो को एक क्लोजेस्ट में बंद करेंगे जो कि राइटर के बेडरूम की वॉल पर खुलती थी क्लोजेस्ट मीन्स एलमीरा और वहाँ पर इसको जो है सिक्योरली बांध दिया गया और ये सोचा गया कि वहाँ पर एक पैग पैग का मतलब होता है नेल खूंटी वॉल में वहाँ पर एक जो है खूंटी थी इसके साथ जो है टोटो को बांध दिया गया था A few hours later when grandfather and I came back to release Toto और कुछ घंटे बाद जब grandfather और मैं Toto को release करने के लिए वहाँ पर आए we found that the walls हमने देखा कि walls का क्या हो, हाल हो रखा था which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as nagged brick and plaster जो wall ornamental papers से decorated थी ornamental papers का meaning, meaning होता है decorative papers मीन्स ग्रैंडफादर ने कुछ डेकोरेटिव पेपर्स को चूज़ किया था और उनसे जो है वॉल को डेकोरेट किया हुआ था अब वो सारे के सारे जो ऑर्नामेंटल पेपर थे उन्हें टोटो ने फाड़ दिया था और अब जो है वॉल उनके बिना ही दिखाई दे रही थी वॉल पे सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स और प्लास्टर दिखाई दे रहा था दैग इन द वॉल हैड बीन रेंस्ट फ्रॉम द सॉकेट रेंस्ट का मीनिंग होता है पुल और वॉल के अंदर जो बैग था जो खूंटी थी उसको जो है उसके सॉकेट से उसने पुल कर लिया था एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग दैर वॉज इन शेड्स डेट्स मीन्स पीसिस और राइटर का स्कूल ब्लेजर जो कि उस अलमीरा में क्लोजेस्ट में हैंग था वो अब पीसेस में दिखाई दे रहा था मीन्स उसको बुरी तरीके से टोटो ने फाड़ दिया था आई वंडर्ड वट ग्रैंड मदर वुड से मैं तो यही सोच के हैरान हो रहा था कि अब ग्रैंड मदर इन सब चीज़ों को देखकर क्या कहेंगी बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी ही सिम प्लीस विद टोटोज परफॉर्मेंस लेकिन ग्रैंड फादर इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी वरिड नहीं थे इवन टोटो ने ये सारे जो काम किए थे इसको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश थे ही इज क्लेवर सेट ग्रैंड फादर ग्रैंड फादर ने उसकी परफॉर्मेंस को देख कर क्या कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा चलाक है गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉन पीसीज ऑफ योर ब्लेजर इन टू अ रॉप एंड मेड हीज एस्केप फ्रॉम द विंडो तो ग्रैंडफादर ने कहा कि अगर हम इसको टाइम दे तो आई एम श्योर ये तुम्हारे ब्लेजर के फटे हुए टुकड़ों से एक रोप बनाएगा और उस रोप का यूज़ करके विंडो से बाहर भी निकल जाएगा वो इतना ज़्यादा क्लेवर है ओके मीन्स यहाँ पर ग्रैंडफादर ने टोटो की क्लेवरनेस की प्रेस की हिज प्रेजेंस इन हाउस टिल्स अ सीक्रेट उसकी हाउस में अभी भी जो प्रेजेंस थी उसको सीक्रेट ही रखा गया था मीन्स ग्रैंड मदर को नहीं बताया गया था टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू बिग केस इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेर अ नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पैट लिव वेरी सोशबली टूगेदर अब टोटो को जो है सर्वेंट्स के क्वार्टर में रखे हुए एक बड़े से केस में ट्रांसफर किया गया जहाँ पर ग्रैंड के बहुत सारे पैट्स जो है बड़ी सोशबली तरीके से इकट्ठे रहते थे मीन्स बड़े सामाजिक तरीके से एक दूसरे को कोई हार्म नहीं पहुंचाते थे अ टॉटॉयस अ पेयर ऑफ रैबिट्स अटेन स्क्वायरल एंड फॉर अ वाइल्ड माई पैट डॉग और ग्रैंड फादर के जो पैड्स थे वो क्या क्या थे एक टॉटॉयज रेबिट्स का एक पेयर एक स्क्वा और कई बार राइटर की गोट को भी जो है उसी में रखा जाता था बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिस कम्पेनियन टू स्लीप एट नाइट लेकिन मंकी ने जो है अपने किसी भी साथी को रात को सोने नहीं दिया मीन्स जो भी ये साथी जो भी उस केस में थे तो टॉटॉयज रैबिट्स स्क्वायरल और गोट किसी को रात को सोने नहीं दिया सो ग्रैंड फादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग तो ग्रैंड फादर जिन्हें कि नेक्स्ट डे देहरादून सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन लेने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ लेकर जाएंगे अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अ कंपनी ग्रैंड फादर ऑन दैट ट्रिप अनफॉर्चुनेटली राइटर जो है ग्रैंड फादर के साथ उस ट्रिप पर नहीं गए थे बट ही टोल्ड मी अबाउट इट लेकिन ग्रैंड फादर ने राइटर को हर एक चीज जो है वहां से वापस आने के बाद बताई आ बिग ब्लैक कैनवस किट कैट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो टोटो के लिए जो है एक बिग ब्लैक कैनवस बैग लाया गया दिस विद सम स्टो एट द बॉटम उसके बॉटम में कुछ जो है स्ट्रो रखी गई एंड बिकेम न्यू अबॉर्ड बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड और ये जो है इसका नया घर बन चुका था अबॉर्ड का मीनिंग होता है हाउस वेयर डू वी लिव ओके When the bag was closed, there was no escape. जब बैग को एक बार बंद कर दिया गया तो उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था Toto could not get his hand through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. टोटो जो है अपना हाथ भी जो है ओपनिंग से बाहर नहीं निकाल सकता था और कैनवस जो है इतना ज़्यादा strong था कि टोटो उसको बाइट नहीं कर पाया His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. और उसके जो एफर्ट्स से थे बैग से बाहर निकलने के मीन्स बैग से बाहर निकलने के तो वो एफर्ट्स कर ही रहा था तो वो क्या कर रहा था बैग में इधर उधर हिल रहा था तो बैग जो है एक बॉल की तरह फ्लोर पर इधर उधर मूव कर रहा था और कभी कभार जो है हवा में उछल रहा था और ये चीज़ जो है एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म और ये चीज़ एक एग्जीबिशन बन गई थी देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर जो क्यूरियस क्राउड्स है उसको बड़े अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर रही थी मींस वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोग जो है उस बैग की तरफ देख रहे थे कि किस तरीके से वो रोल कर रहा है किस तरीके से वो हवा में उछल रहा है टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज़ सहारनपुर टोटो जो है बैग में ही रहा जब तक कि सहारनपुर नहीं पहुंच गए बट व्हाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्लाइड टोटो सडनली पोग्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गिव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन लेकिन जैसे ही ग्रैंडफादर ने सहारनपुर के टर्न पर आने पर अपने टिकट जो है टिकट कलेक्टर को दिखाई तो टोटो ने सडनली जो है अपना सिर बैग से बाहर निकाल लिया और टिकट कलेक्टर को अपने दांत दिखाई द पुअर वॉल मैन वॉज टेकन अ बैक बट विद अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंड फादर्स एनऑयस ही सैड सर यू हैव अ डॉग विद यू यू हैव टू पे फॉर अकॉर्डिंगली लेकिन इस बेचारे व्यक्ति को द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक एकदम से धक्का लगा और एकदम से वो पीछे हट गया लेकिन फिर उन्होंने जो है अपने दिमाग से काम लेते हुए और दादाजी को अधिक गुस्सा दिलाते हुए ये कहा कि आपके पास जो है एक डॉग है और इसके लिए आपको जो है पे करना पड़ेगा इन वेन डिड ग्रैंड फादर टिक टेक टोटो आउट ऑफ द बैग इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग और इवन अ क्वार ड्रॉप्ड तो ग्रैंड फादर जब टिकट uh, कलेक्टर ने ग्रैंड फादर को कहा कि आपके पास एक डॉग है तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा तो ग्रैंड फादर ने टोटो को बैग से बाहर निकाला और कहा कि ये कोई मंकी नहीं है ये सॉरी ये कोई डॉग नहीं है ये एक मंकी है लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ग्रैंड फादर की वेस्ट गई इन वेन मीन्स वेस्ट जाना मीन्स टिकट कलेक्टर ने माना ही नहीं कि भाई हां वो मंकी है इवन उसने कहा कि भाई आपको इसके लिए पैसे तो पे करने ही पड़ेंगे देन ग्रैंड फादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पैट टॉटॉयज एंड सैड वट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल द एनिमल्स तो फिर उसके बाद जो है ग्रैंडफादर को गुस्सा आ गया और उन्होंने जो है अपने पॉकेट से एक टोटोइस को निकाला और फिर कहा कि मुझे इसके लिए कितना पे करना होगा क्योंकि तुम सभी एनिमल्स का पे कर मांग रहे हो ना क्योंकि तुमने जो है डॉग का मांग लिया थ्री रुपीज़ ग्रैंड को पे करने पड़े और मंकी का मंकी को उसने जो है डॉग बोला और डॉग के उसने पैसे मांग लिए तो उस उन्होंने कहा कि ये लो टोटॉयस इसको भी कुछ बोल दो और इसके लिए भी पैसे ले लो ग्रैंड ग्रैंडफादर को गुस्सा आ गया था द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टोटोइ टिकट कलेक्टर ने टोटोइ को बड़े आराम से बड़े क्लोजली देखा एंड प्रोडिड प्रोडिडिड इट विद द फोर फिंगर गेव ग्रैंड फादर अ प्लीज एंड ट्राइम फेंट लुक एंड सेड नो चार्ज इट इज़ नॉट अ डॉग और फिर जो है उसने अपनी फोर फिंगर फोर फिंगर हमारी जो पहली फिंगर इंडेक्स फिंगर होती है मीन्स अंगूठे के पास वाली जो फिंगर होती है इससे उसने जो है उसके साथ उसको पॉक किया मीन्स उसके साथ छेड़खाने की और फिर ग्रैंड फादर को एक बड़ा ही प्लीज और ट्राइमफेंट ट्राइम्फेंट मीन्स विक्टोरियस लुक दिया और कहा कि इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि ये कोई डॉग नहीं है वैन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाई ग्रैंड मदर ही वॉज गिवन अ कम्फर्टेबल होम इन द स्टेबल और जब ग्रैंड मदर ने फाइनली टोटो को एक्सेप्ट कर लिया तो उसको जो है स्टेबल में अस्तबल में ही एक कंफर्टेबल प्लेस दिया गया वेर ही हैड फॉर अ कम्पेनियन फॉर द फैमिली डोंग की नाना जहां पर उसका एक कम्पेनियन था और वो था फैमिली डोंग की नाना और टोटो इज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंड फादर पेड ही मिजिट टू सी इफ ही वॉज कम्फर्टेबल क्योंकि पहली बार जो है टोटो को स्टेबल में रखा गया था तो ग्रैंडफादर उसको देखने के लिए गए कि भाई वो कंफर्टेबल है भी या नहीं टू तो दिस सरप्राइज टू हिस सरप्राइज तो ही, ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ है तो जैसे ही ग्रैंड फादर वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो टोटो है जो नाना है वो जो है अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है और वहाँ पर एक बंडल ऑफ हे से वो जितना दूर हो सके उतना दूर होने की कोशिश कर रहा है ग्रैंड फादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस द हॉन्चिस ग्रैंड फादर ने जो है नाना को उसके हॉन्चिस हॉन्चिस मतलब एनिमल्स का जो पीछे वाला पार्ट होता है उस पर एक स्लैप दिया एंड शी जगड बैक और वो जो है उसको पीछे की तरफ धक्का दिया ड्रैगिंग टो टोटोविधर और फिर वो जो है टोटो को अपने साथ ड्रैग करते हुए ले आई ही हैड फासन हर ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटल टिथ वो क्या कर रहा था वो नाना को जो है अपने छोटे छोटे टिथ के साथ उसके कान को उसके लॉन्ग ईयर्स को पकड़ा हुआ था और उसको जो है अपनी तरफ ड्रैक कर रहा था टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स टोटो और नाना जो है कभी भी फ्रेंड्स नहीं बने अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लास्ट बॉल ऑफ वॉर्म वाटर गिवन हिम बाय द ग्रैंड मदर फॉर हिज बात और ठंड के मौसम में टोटो के लिए सबसे आरामदायक बात बात थी कि एक बड़े से पानी के बॉल में बर्तन में दादी माँ उसको जो है नहाने के लिए गर्म पानी देती थी ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड और वो बड़े ही कनिंग वे से मीन्स बड़ी ही चालाकी से अपने हाथ के साथ पानी का टेम्परेचर को चेक करता देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ और फिर धीरे धीरे जो है नहाने के लिए उसके अंदर स्टेप करता फर्स्ट वन फुट देन अनदर एस ही वॉज इन टू द वॉटर अप टू हिज नैक पहले वो अपना एक पैर रखता फिर दूसरा पैर रखता जैसे कि उसने मुझे करते हुए देखा था मीन्स राइटर भी इसी तरीके से नहाते थे तो टोटो ने उसको इमिट किया मीन्स जैसे जिस तरीके से राइटर नहाते थे उसी तरीके से वो नकल करके नहाता था पहला अपना एक पैर रखता फिर दूसरा पैर रखता और फिर जो है पानी में अपने आप को डुबो देता जब तक कि उसकी नेक जो है नहीं नेक तक पानी नहीं आ जाता वंस कम्फर्टेबल ही वुड टेक द सॉप इन हिज हैंड्स और फीट एंड रब हिम सेल्फ ऑल ओवर एक बार कम्फर्टेबल होने के बाद वो अपने हाथ और पैरों पर सॉप लगाता और फिर जो है अपनी पूरी बॉडी पर उसको रब करता था वेन द वॉटर बिकेम कोल्ड ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिम सेल्फ और जब एक बार पानी ठंडा हो जाता तो वो जो है अपने आप को पानी से बाहर निकालता और जितना तेज़ वो दौड़ सकता था उतना तेज दौड़ता था किचन फायर की तरफ ताकि वो अपने आप को सुखा सके इफ एनी वन लाव डैट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस टोटोस फीलिंग वुड बी हॉट एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ और अगर उसकी इस परफॉर्मेंस पे घर का कोई भी पर्सन हंस देता था तो टोटो को जो है बड़ा हर्ट होता था मीन्स उसकी फीलिंग्स को हर्ट होता था और फिर वो जो है उसके साथ नहाने से मना कर देता था वन डे टोटो नियरली सक्सेडेड इन बॉयलिंग हिमसेल्फ अलाइव और एक दिन तो टोटो ने कम्प्लीटली जिंदा अपने आप को जला लिया था भैया ऐसा क्या हुआ था अ लार्ज किचन केटल हैड बिन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड एक दिन किचन में जो है एक केटल रखी हुई थी जिसमें कि चाय के लिए पानी बॉईल करने के लिए रखा गया था और टोटो के पास और तो कोई कुछ काम था नहीं तो उसने डिसाइड किया कि वो जो है इस केटल की के लिड को उसके ढक्कन को रिमूव करेगा फाइंडिंग द वॉटर जस्ट वॉर्म इन अफ फोर अ बाथ और उसने जो है उसके अंदर हाथ डाल के देखा और देखा कि पानी जो है उसके नहाने के जितना गर्म है मीन्स जैसे जितने गर्म पानी में वो नहाता है उतना ही गर्म पानी है सो ही गॉट इन और इसीलिए वो जो है केटल के अंदर बैठ गया विथ हिज हैड स्टिकिंग आउट ऑफ फ्रॉम द ओपन केटल और अपने हेड को उसने जो है केटल का जो ओपन वाला एरिया था उससे ऊपर रखा दिस वॉज जस्ट फाइन अ फोर वाइल एंडिल द वॉटर बिगेन टू बॉइल थोड़े टाइम के लिए तो ये ठीक था जब तक कि पानी ने उबलना स्टार्ट नहीं किया मीन्स जैसे ही पानी उबलने लगा तो टोटो को जो है वो गर्म लगने लग गया टोटो देन रेज हिम सेल्फ अ लिटल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउट साइड सेट डाउन अगेन टोटो ने जो है अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश की लेकिन जब उसने देखा कि बाहर ठंड है तो फिर से वो उसके अंदर बैठ गया ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम अंटिल ग्रैंड मदर अराइव एंड होल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल और ये काम वो जो है कुछ टाइम तक करता रहा मीन्स ऊपर उछलता रहा नीचे बैठता रहा जब तक कि ग्रैंड मदर वहाँ पर पहुँची और उसे जो है आधा उबला हुआ पाया मीन्स आधा पानी बहुत ज़्यादा उबल रहा था और वो भी मतलब ऑलमोस्ट उबलने ही वाला था तो ग्रैंड मदर ने उसको जो है केटल से बाहर निकाला इफ देर इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस चीफ दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो अगर हम दिमाग के किसी ऐसे पार्ट की बात करें जो कि स्पेशली मिस चीफ शरारतों के लिए डिवोट हो तो वो वाला पार्ट टोटो के अंदर बहुत ज़्यादा डिवेलप हो गया था ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पेसिस वैन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर थ्रू हिम ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हिस ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट वो जो है हर एक चीज़ को फाड़ता रहता था जब भी मेरी कोई आंट उसके पास आती तो वो उसके कपड़ों को होल्ड करता और उसके अंदर जो है एक होल कर देता था मीन्स जो भी चीज़ उसको मिलती थी चाहे वो वॉल पेपर हैं चाहे वो किसी के कपड़े हैं वो हर एक चीज़ को टीयर करता रहता था भरा हुआ बर्तन जो है डाइनिंग टेबल के सेंटर में रखा हुआ था वी एंटर द रूम टू फाइन टोटो स्टफिंग राइस जब जैसे ही हमने रूम में एंटर किया तो हमने देखा कि टोटो जो है अपने आप से राइस खा रहा था माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर मेरी ग्रैंड मदर उसके ऊपर चिल्लाई और टोटो ने जो है उन्हें एक प्लेट फिंक का मारी वन ऑफ माई आंट्स रश टू फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर ऑन इन हिस्स इन द फेस और मेरी आंट्स मेरी एक आंट जो है उसकी तरफ भागी तो टोटो ने जो है उसके मुंह पर पानी फेंक दिया वेन ग्रैंड फादर अराइव टोटो पिकड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिस्ट थ्रू अ विंडो और जब ग्रैंड फादर वहाँ पर पहुंचे तो टोटो ने जो है वो पुलाव से भरी हुई डिश वो प्लेट उठाई और विंडो से बाहर निकल गया वी फाउंड हिम इन द ब्रांच ऑफ जैक फ्रूट ट्री द डिश स्टिल इन हिज आर्म हमने देखा कि वो जो है जैक फ्रूट जैक फ्रूट ट्री के ब्रांचेस पर बैठा हुआ है और प्लेट अभी भी उसके हाथों में थी He remained there all the afternoon. वो पूरी दोपहर वहीं पर रहा eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. और वो धीरे धीरे करके जो है राइस खा रहा था और उसने पूरा निश्चय कर लिया था कि वो जो है हर एक दाने को फिनिश करेगा And then, in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish throw down from the tree and chattered with delight when it broke into a hundred pieces. और जब उसने खाना खत्म कर लिया ग्रैंड मदर को गुस्सा दिलाने के लिए यानी कि ग्रैंड मदर को परेशान करने के लिए जो कि उसके ऊपर चिल्लाई थी उसने प्लेट को नीचे ट्री से नीचे फेंक दिया और जब वो हंड्रेड पीसेज में टूट गई तो वो जो है बहुत खुश होकर ज़ोर जोर जो से चिल्लाया ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग ऑब्वियसली टोटो कोई ऐसा पैट नहीं था जिसको हम एक लंबे टाइम तक रख सके इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट ये चीज़ ग्रैंड फादर को भी रियलाइज हो गई थी वी आर नॉट वेल टू डू हम जो है वेल्टू डू वेल्टू डू मीन्स रिच हम बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थी एंड कूड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज क्लॉथ्स कर्टन्स एंड वॉल पेपर और जो टोटो ये जो लॉस करता रहता था टोटो जो है ये सारे डैमेज करता रहता था डिशेज क्लॉथ्स करटन्स और वॉल पेपर के इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे सो ग्रैंड फादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम ऑनली थ्री रुपीज़ और इसीलिए ग्रैंड फादर ने जो है टोंगा ड्राइवर को ढूँढा और टोटो को जो है वापिस उसको बेच दिया सिर्फ थ्री रुपीज़ में उन्होंने उस उसे परचेज किया था फाइव रुपीज़ में और वापिस उसको जो है सोल्ड कर दिया थ्री रुपीज़ में इसके बीच में भी टोटो ने जो डैमेज किया यानी कि कभी जो है उसने वॉलपेपर को फाट दिया कभी डिशेज को तोड़ दिया कभी क्लॉथ्स को फाट दिया कभी कर्टन्स को फाट दिया ये भी सारी चीज़ें जो है राइटर और उसके फैमिली को बियर करनी पड़ी मीन्स टोटो कोई डोसाइल एनिमल नहीं था कोई डोसाइल पेट नहीं था वो बहुत ही ज़्यादा मिसचीवियस था लाइक अदर मंकीज सो यहाँ पर हमारी ये कहानी खत्म होती है आई होप जो है आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू बाई कीपर्निंग